नमस्कार, मैं हरम कौर, आप देख रहे हैं वतन की आवाज। आज का विषय है कांग्रेस और संघ, एक सिंह अवलोकन। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस और संघ के मौलिक अंतर के बारे में कि ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। अक्सर लोग संघ की शिकायतें करते रहते हैं, खास करके जो लिबरल वामपंथी गैंग है, इनको देखेंगे कि वो बार बार कांग्रेस की प्रशंसा और आरएसएस शिकायतें करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि दोनों में मूल अंतर क्या है, कांग्रेस क्या है और संघ क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना सन 1985 में हुई थी, जबकि संघ की स्थापना उसके ठीक 40 वर्ष बाद सन 1925 में की। कांग्रेस के संस्थापक थे श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं, और जबकि संघ के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम डिगेवर। श्री ह्यूम एक अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी थे तथा भारत में ब्रिटिश शासन को सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। जबकि डॉक्टर हेडगेवर प्रखर देश भक्त थे, वे पहले क्रांतिकारी तथा बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे थे, और ब्रिटिश शासन को भारत से समूल उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। चौथा अंतर में है कि इस प्रकार से कांग्रेस और संघ की स्थापना परस्पर विरोधी उद्देश्यों के लिए की गई। श्री ह्यूम ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुन चुन कर अंग्रेज भक्त, या अंग्रेज के भक्त कहना ठीक नहीं होगा, अंग्रेज के चमचे लालची भारतीयों को कांग्रेस में शामिल किया। जबकि डॉक्टर हेडगेवर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुन चुन कर भारत भक्तों को संघ में और संघ परिवार में प्रविष्ट करवाया। पांचवा अंतर जो दोनों के बीच में, अनेक वर्षों तक कांग्रेस में के अधिवेशन का आरंभ इंग्लैंड के राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग से ही होता रहा, जबकि संघ में प्रथम दिन से ही भारत माता की जयगान और वंदे मातरम गूंज। अनेक वर्षों तक कांग्रेस का झंडा भी यूनियन बैंक रहा, जो कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज था। 40 वर्ष बाद कांग्रेस ने तिरंगा लगाना शुरू किया और 40 वर्ष बाद उसने विधिवत तरीके से तिरंगे को अपनाया। इसके विपरीत संघ ने आरंभ से ही हमारे हजारों वर्षों से चले आ रहे भारत के परंपरागत राष्ट्र ध्वज भगवा ध्वज को ही संघ ने लहराना शुरू किया, उसे ही अपना माना अपनाया। कांग्रेस ने प्रवेश के लिए इंग्लैंड के राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। अगर आप कांग्रेस में प्रवेश चाहते हैं तो आपको इंग्लैंड के राजा के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है, किंतु संघ में प्रवेश के लिए भारत माता के प्रति भक्ति की शपथ ली जाती थी। कांग्रेस का कार्य अनेक वर्षों तक साल में एक एक अधिवेशन करके कुछ प्रस्ताव पास कर देने तक सीमित रहा। बाद में उसने कुछ आंदोलन चलाए और उसकी प्रवृत्ति एक आंदोलनात्मक बन गई, जबकि संघ ने जन आंदोलन का मार्ग कभी नहीं अपनाया। उसने अभिनव कार्य पद्धति अर्थात दैनिक शाखा पद्धति का निर्माण किया, इसे कांग्रेस आज तक नहीं समझ पाई। फलतः कांग्रेस में नेता ही नेता जन्म लेते रहे, नेता ही नेता निर्माण होते रहे, और संघ में कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता जन्म लेते रहे। जिस वंदे मातरम के उद्घोष ने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया, उसी उद्घोष को उसने हिंदू मुस्लिम एकता की बलि वेदी पर चढ़ा दिया, जबकि संघ ने वंदे मातरम को केवल उद्घोष ही नहीं, मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा का प्रतीक मानता है। संघ के ने पूर्ण स्वतंत्र का लक्ष्य अपनी स्थापना के समय ही घोषित कर दिया था, जबकि कांग्रेस को इसको अपनाने में लगभग 45 वर्ष लग गए, और सन 1930 में इस लक्ष्य को अपनाया। 1947 तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पूर्ण स्वातंत्र के लक्ष्य को पूर्ण रूप से भूल गई, और उसने भारत के लिए विभाजन स्वीकार कर लिया, जबकि संघ ने इस लक्ष्य को नहीं भूला और आज भी अखंड भारत की उपासना किया करता है। कांग्रेस ने स्वतंत्र की पहली शर्त
हिंदू मुस्लिम एकता को माना तो संघ ने स्वतंत्र की पहली शर्त हिंदू संगठन को माना। कांग्रेस और संघ दोनों में ने ही उद्देश्य प्राप्ति हेतु अहिंसा का मार्ग अपनाया, किंतु कांग्रेस ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया हिंदू मुस्लिम एकता के शान पर चढ़ा दिया। फलतः हिंदुओं में कायरता और मुसलमानों में गुंडापन पड़ने लगा। संघ ने अहिंसा को हिंदू संगठन की शान पर चढ़ाया, फलतः हिंदू में निर्भीकता व आत्मविश्वास निर्माण होने लगा और वे मुस्लिम के गुंडापन को नियंत्रित भी करने लगे। कांग्रेस और संघ दोनों का लक्ष्य स्वतंत्र होने के बावजूद स्वातंत्र के प्रति दोनों की दृष्टि में अंतर रहा। कांग्रेस जहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही जोर देती रही, वहीं संघ राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रता पर जोर देता रहा। इसी कारण आज भी कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि आज भी संघ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर जोड़ देता है। इसी कारण कांग्रेस का विकास एक समझौतावादी राजनीतिक दल के रूप में हुआ और संघ का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुआ। केवल राजनीतिक दृष्टि होने के कारण ही कांग्रेस अंग्रेजों के फेंके जाल में फंसती गई और मुसलमानों के साथ लेने के चक्कर में मुस्लिम नेताओं से समझौते करती गई। परिणाम हुआ भारत विभाजन। संघ अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा। संघ प्रवेश हेतु हिंदुओं को न तो आह्वान किया और न ही उन पर प्रतिबंध लगाया। संघ ने केवल एक ही कसौटी रखी, मातृभूमि के प्रति अव्यभिचारी निष्ठा। ऐसी निष्ठा जो केवल हिंदू समाज में है, मुस्लिम या ईसाई समाज में नहीं है। इसलिए मुसलमान व ईसाई स्वयं ही संघ से दूरी बनाते रहे। संघ की तरह कांग्रेस भी शुरू से ही हिंदू संस्था ही है, यह जानकर आज हम सभी को हैरानी होता है। तो मुसलमान तो कोई कोई नमूने के रूप में ही कांग्रेस में रहे और वे कांग्रेस में आने और रहने के लिए लगातार कीमतें वसूलते रहे, कीमतें मांगते रहे और जिसको कांग्रेस ने दिया भी। आज भी देख सकते हैं इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। व्यवहारिक रूप से हिंदू संस्था होने के इस सत्य को स्वीकार ना करके कांग्रेस ने हमेशा अपने को हिंदू समाज को धोखा और हिंदू समाज को धोखा देते रहे। इसके विपरीत संघ हिंदू संगठन और है, इस सत्य को संघ सार्वजनिक रूप से हमेशा घोषित करता रहा है। सत्ता प्राप्ति के लालच ने कांग्रेस ने 1946-47 में बंगाल, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सीमा प्रांत में हिंदुओं को झूठे आश्वासन देकर लूटने, पीटने और मरने के लिए पाकिस्तानी भेड़ियों के आगे बलि के बकरे के भांति खुला छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 लाख हिंदू मारे गए। संघ ने शेष बचे हुए हिंदुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र से सुरक्षित निकालकर हिंदुस्तानी क्षेत्र में लाने की एड़ी चोटी का जोर लगाया, हर प्रकार के प्रयास किया। इस जोखिम भरे काम में संघ के सैकड़ों स्वयंसेवक बलिदान भी हुए। कांग्रेस की सोच हमेशा सांप्रदायिक रही, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के ही इर्द गिर्द घूमती रही। अपनी इसी सांप्रदायिकता को उसने नाम दे दिया धर्मनिरपेक्षता। संघ की सोच हमेशा राष्ट्रीय रही, इसलिए उसे धर्मनिरपेक्षता की मुखौटों की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेसी संघ के प्रति देश दृष्टि के शिकार हैं। कोई भी कांग्रेसी यदि संघ कार्यक्रम में आ जाता तो उसे कांग्रेस से निष्कासन की धमकियां मिलने शुरू हो जाती। संघ विरोध कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस की यात्रा, जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस की यात्रा विदेशी से विदेशी तक की है। इसका संस्थापक विदेशी, इसका वर्तमान अध्यक्ष विदेशी। संघ की यात्रा स्वदेशी से लेकर स्वदेशी तक है। संघ संस्थापक स्वदेशी और अब तक के सभी सर संघ चालक स्वदेशी। संघ में कोई विदेशी किसी छोटे से छोटे पद पर भी नहीं आ सकता है।